गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं लाइट खोल देती हूँ, बहुत अंधेरा आ रहा है। सो गाइस, टाइम देखिए, पहले आप लोग देख रहे हो ना, आज है 11 अक्टूबर, मे बी 11 अक्टूबर है, संडे आज, और टाइम हो रही है अभी 9:30 सुबह की, 9:30। और अभी मैं ना आ रही हूँ क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है ना गाइस, बहुत ज्यादा लेट उठते हैं, हर कोई लेट उठता है। मैं क्या, हर कोई लेट उठता है क्योंकि उस दिन ऐसा नहीं होता ना, टेंशन नहीं रहता कि इसको ऑफिस जाना है या उसको ऑफिस जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी। और मैंने थोड़ा, आजकल मैं ऑयल मसाज कर रही हूँ, यानी कि अपने बालों पर मसाज करवा रही हूँ, तो 3-4 दिन से मेरे बालों पर ऑयल लगा हुआ था, तो मैंने आज थोड़ा सा हेयर वॉश भी कर लिया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने कैमरे को एक जगह पर रख देती हूँ क्योंकि मेरा कैमरा ना हाथ दर्द हो जाता मेरा। सबसे पहले गाइज, आप लोगों को टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, या मैं आज ऐसी कौन सी, मतलब इतनी खुश क्यों हूं मैं। तो मैं आपको बता दूं गाइज, आज मैं अपनी एक बहुत ही, मतलब जो मेरी सबसे खास फ्रेंड है, उसको मिलने जा रही हूँ। हाँ जी, मैं अपने फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ और मे बी मैं उसको 5 साल बाद मिल रही हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो तब मुझे वो मिली थी, वो भी यहीं पर मिली थी, गुड़गांव में ही मिली थी, लेकिन तब से और आज तक मैं उसको नहीं मिली। और हाँ, जब उसकी शादी मेरे से पहले हो गई थी तो तब भी मैं उसको मिली नहीं थी, 2011 में उसकी शादी हो गई थी, तो तब से मैं उसको 2015 में मिली थी, और 2015 के बाद मैं फिर आज उसको मिल रही हूँ, यानी कि 5 साल पहले के बाद, फिर 5 साल बाद मिली थी, फिर आज 5 साल बाद मिल रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने उस फ्रेंड के बारे में आपको बता दूं, मेरी वो सबसे खास फ्रेंड है, और हमने मतलब हमने अपना जो स्कूल टाइम है ना, हमारा बचपन का, वो हमने साथ में बिताया है। 12th तक वो मेरी फ्रेंड रही है, बहुत अच्छी फ्रेंड रही है, और वो यहाँ पे अभी नोएडा में रहती है। तो एक्चुअली वो गुड़गांव में इस वजह से आई क्योंकि उसकी सिस्टर यहाँ पे रहती, तो अपनी सिस्टर को मिलने आई थी। तो ऐसे ही उसने मुझे कहा कि नहीं, तुझे भी मेरे को मिलने आना है, और मुझे भी लगा कि नहीं यार, मिलना चाहिए क्योंकि इतने साल बाद वो मुझे मिल रही है, तो मिलना तो बनता ही है। तो इस वजह से आज मैं उसको मिलने जा रही हूँ। मे बी मैं उसको 11:30 या 12 बजे के आसपास जाऊँ, क्योंकि जहाँ पे उसकी दीदी रहती है तो हमारे घर से थोड़ा ही पास पड़ता है, तो मैं उसको मिलने चले जाऊंगी। सो गाइज, इसीलिए मैं थोड़े से खुश हूँ, हैप्पी हूँ, आप लोग मेरे फेस को देख के लगा ही सकते हैं। मैं आपको जरूर उनसे मिलाऊंगी। और हाँ गाइज, अभी मैं ना ज्यादा बातें नहीं करती हूँ आपसे क्योंकि मुझे लेट भी हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा डिले करूंगी। और ये देखिए ना, आप लोग देख रहे हो, आप लोग ये ऐसे लाइनिंग से पड़ जाती है, ये क्यों पड़ती है मेरे फेस पे, क्योंकि मैं जब हेल्थी होती हूँ ना, मोटी होती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा होता है। और चलो ये तो छोड़े, तो चलता रहता है। मुझे एक चीज आप बताना यार गाइस, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा ही पतले हो गए, तो आप लोग बता सकते हो कोई ऐसा ट्रिक जिससे मैं मतलब अपने बालों को फिर से सही कर दूं, बहुत ज्यादा परेशान हो गई इन बालों के लिए। सो चलो, अभी मैं चल रही हूँ नीचे, ब्रेकफास्ट भी बनाना है क्योंकि सभी लोग सोए रहते हैं यार, संडे के दिन जैसे मैंने बताया दिया आपको, सभी लोग सोए रहते हैं, तो मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है। ब्रेकफास्ट बनाने से पहले थोड़ा मैं अपने स्किन केयर करती हूँ। गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाने के लिए, और बस इनका वेट कर रही हूँ, थोड़ा ये आ जाए फिर चलते हैं। गाइज फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी 12 बज चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया था, लेट तो मैं हो ही जाऊंगी, 12 बज चुकी है, थोड़ा सा सामान लूंगी और हम दोनों ही जा रहे हैं। सो ये मुझे वहां पे छोड़ देंगे, उसके बाद मैं शाम को इवनिंग में ही घर आऊंगी, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, ज्यादा दूर नहीं है, उसकी दीदी का घर बस पास में ही है। तो बस अभी निकली हूँ घर से, और आज मैंने ये वाली आउटफिट पहनी है जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, आपने मेरे फ्लिपकार्ट हॉल में देखा होगा, तो ये मुझे काफी मतलब कम प्राइस में मिला था, लेकिन अच्छा कुर्ता है, कॉटन का है, अच्छा है। सो चलो अभी चलती हूँ उसके घर और फिर मिलाती हूँ आपको। Take me back, you're standing there with arms wide open. Where is
फाइनली मैं आ गई अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, मैं आपको उनसे मिला की हूँ, तो इसीलिए हाय। ये मेरी फ्रेंड कंचन है, लगभग 5 सालों से अभी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं। तो चलो अभी थोड़ा फ्रेंड से साथ आए, आपका खाना बना रही मेरे लिए। तो क्या वो बुला रखे क्या? अभी आई हूँ मैं छत पे, जस्ट अभी मैंने लंच किया अपना, छत पे आई हूँ क्योंकि ठंड अब मतलब विंटर शुरू हो गई, तो इस वजह से आई हूँ। पीछे देखेंगे ऐसा है, कुछ इस तरीके का है पीछे। आप अभी आइए साथ में, बाकी कुछ इस तरीके का है, बस हमारे घर से थोड़ा ही दूर में है, जैसे मैंने बताया 3 किलोमीटर का फासला है हमारा, थोड़ा यहाँ से दूर है, तो इनका यहीं पे है, मतलब आस पास ही लगा लो आप। सो कुछ इस तरीके का है गाइस व्यू, थोड़ा सा हम यहाँ पे गप्पे शप्पे मारते हैं, उसके बाद हम सीधा मतलब बच्चे का जो बर्थडे है तो वो सेलिब्रेट करेंगे, तो वो मैं आपको तब दिखाऊंगी वीडियो में। बाकी देखिए कुछ इस तरीके का, ये देखिए चुका है, मतलब हमने खा पी लिया, अब हम हमारी जाने की तैयारी है। तो बस लास्ट टाइम है जब इसको मिल रही हूँ, उसके बाद पता नहीं किस अगले साल मिलूंगी या 2-4 साल बाद मिलूंगी, जब भी मिलूंगी बता दूंगी आपको। और पीछे आप देख रहे होंगे ये हमारे जीजा जी, इनके हस्बैंड, उनसे मैं आपको नहीं मिला पाई क्योंकि वो थोड़ा बिजी भी है और कैमरे पे नहीं आते, तो इस वजह से नहीं मिलाया मैंने। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर अभी जा रही हूँ मैं घर पे, तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी काफी अच्छी लगी होगी और मेरी फ्रेंड भी आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो आज मेरी जगह पे ये आपको बोलेंगी, वीडियो को क्या करना है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।
अभी तेरा मुंह ठीक करता हूँ। बदतमीज, चद्दर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार, आजा मेरे यार।